हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू नर्सिंग करंट एंड प्रैक्टिकल वी हैव स्टार्टेड द सीरीज़ ऑफ़ डी प्रीवियस ईयर पेपर हमने डी के पुराने पेपर करना शुरू किया है विद सॉल्यूशन सो दिस इज़ थर्ड वीडियो अगर आपने अभी तक पुराने दो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए सो so, हमारा आज का क्वेश्चन है वन फिफ्टी सेवन क्वेश्चन इससे पहले क्वेश्चन हम कर चुके हैं सो वी हैव स्टार्टेड वन फिफ्टी सेवन वट इज़ द टोटल टाइम पीरियड फॉर दी थर्ड स्टेज ऑफ लेबर प्राइमरी एंड मल्टी जो थर्ड स्टेज का टाइम पूछा है लेबर का प्राइमरी में और मल्टी पैरा में कितना टाइम होता है थर्ड स्टेज का सो so, ऑप्शनस है ऑप्शन ए फिफ्टीन मिनट ऑप्शन बी थर्टी मिनट ऑप्शन सी फोर्टी फाइव मिनट एंड ऑप्शन डी वन आवर थर्ड स्टेज में क्या होता है इसमें प्लेजेंट आउट होता है आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी से लेके डिलीवरी और प्ले, प्लेजेंटा तक जो टाइम होता है उसको थर्ड स्टेज टाइम बोलते हैं जो मल्टीपैरा एंड प्राइमी पैरा दोनों में सेम होता है एंड जो वो टाइम क्या है दैट इज ऑप्शन बी थर्टी मिनट थर्टी मिनट इज द थर्ड स्टेज ऑफ टाइम फॉर प्राइमी एज वेल एज मल्टीपैरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर डिलीवरी द इमीडिएट केयर गिवन टू द बेबी इज बेबी की डिलीवरी के बाद जो इमीडिएट केयर क्या देना चाहिए ऑप्शन ए टू क्लियर द एयरवे ऑप्शन बी टू क्लैंप द कोड सी क्लीन द कोड एंड डी इनिशिएट द फीडिंग सो इसमें ऑप्शन ए इज राइट टू क्लियर द एयरवे कई बार स्टूडेंट टू क्लैंप द कोड भी लगा देते हैं ऑप्शन बट क्लैंप कोड को हम थोड़ा डिले कर सकते हैं जो इमीडिएट केयर है वो टू क्लियर द एयर वे एयरवे को सक्शन करना सबसे पहले जरूरी है सो ऑप्शन ए इज राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ इज़ कॉल्ड एज जो बर्थ प्रक्रिया होती है मतलब जो बर्थ प्रोसेस होता है उसका मेडिकल टर्मनोलॉजी क्या है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं ऑप्शन ए पार्टिशन ऑप्शन बी पोस्टमार्टम ऑप्शन सी लाइटनिंग एंड ऑप्शन डी लेबर सो इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है लेबर आप टिक कर सकते हैं लेकिन लेबर इज़ रोंग जो मेडिकल टर्मनोलॉजी है प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ इज़ ऑप्शन ए पार्टी इस पूरे प्रोसेस को पार्टिशन बोलते हैं ऑप्शन ए इज़ राइट नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द नॉर्मल डायलेशन ऑफ सर्विक्स पूछा है सर्विक्स का नॉर्मल डायलेशन कितना होता है कितने सेंटीमीटर तक सर्विक्स डायलेट हो सकता है ऑप्शन ए ट्वेंटी सेंटीमीटर बी फिफ्टी सेंटीमीटर सी सेवन सेंटीमीटर एंड डी टेन सेंटीमीटर सो ऑप्शन डी इज़ राइट टेन सेंटीमीटर सेकेंड स्टेज में सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में फर्स्ट सेंटीमीटर से शुरू होकर टेन सेंटीमीटर तक सर्विक्स डायलेशन होती है उसके बाद बेबी डिलीवर होता है सो so, जो सर्विक्स की डायलेशन है दैट वो सिर्फ टेन सेंटीमीटर ही होती है इससे ज्यादा नहीं होती नेक्स्ट एक क्वेश्चन है हमारा ओवरलैपिंग ऑफ पार्शियल बोन ड्यूरिंग बर्थ इज कॉल्ड एज पैराइटल बोन सॉरी पूछा है ओवरलैपिंग ऑफ दी पैराइटल बोन ड्यूरिंग बर्थ इज़ कॉल्ड ड्यूरिंग बर्थ जो पैराइटल बोन ओवरलैप होता है इट्स अ नेचुरल प्रोसेस ओवरलैप होता है उसको क्या बोलते हैं ऑप्शन ए कैपेट बी मोल्डिंग ऑप्शन सी हेमाटोमा एंड ऑप्शन डी फिक्सेशन सो राइट ऑप्शन इज़ बी मोल्डिंग ओवरलैपिंग ऑफ पेराइटल बोन ड्यूरिंग बर्थ इज कोल्ड एज मोल्डिंग नेचुरली होता है टू इज दी डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द फॉलोइंग ड्रग इज गिविन टू इंक्रीज यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाती है ऑप्शन ए मिथार्जिन ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन ऑप्शन सी पैथेडिन एंड ऑप्शन डी पिनार्गिन सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन को इनक्रीज कर देता है सो ऑप्शन बी इज राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये विजिबल नेक्स्ट है हमारा द वेजाइनल डिस्चार्ज ड्यूरिंग द फस्ट फोर्थ नाइट ऑफ प्युपेरियम इज़ नोन एज प्यूपेरियम जो आफ्टर डिलीवरी आफ्टर प्लेजेंटल डिलीवरी के बाद प्युपेरियम स्टार्ट हो जाता है तो जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है ड्यूरिंग दिस टाइम फोर्थ नाइट फर्स्ट नाइट में आफ्टर डिलीवरी उसको क्या बोलते हैं ऑप्शन ए शो बी लौकिया ऑप्शन सी इफेजमेंट ऑप्शन डी यिया सो ऑप्शन बी इज राइट लोकिया दिस इज लोकिया ये भी तीन पार्ट में डिवाइड होता है रेड येलो वो विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास सो जो वेजाइनल डिस्चार्ज आफ्टर डिलीवरी अप टू फिफ्टीन ट्वेंटी डेज तक चलता है हल्का हल्का डिस्चार्ज उसको बोलते हैं लोकिया दिस इज़ नॉट प्रॉपरली विजिबल ये मैं देखती हूँ दोबारा इसको मेरा डिस्कस लेटर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वट आर दी इंडिकेशन ऑफ सीजेरियन सेक्शन सीजेरियन आपके ऑप्शन में से पूछा है कि सीजेरियन सेक्शन की इंडिकेशन क्या है ऑप्शन ए फीटल डिस्ट्रेस ऑप्शन बी सेंट्रल प्लेजेंट ऑफ रिविया ऑप्शन सी ऑब्ज्रक्टेड लेबर डी ऑल ऑफ दियो इट्स वेरी इजी ऑप्शन डी इज राइट फीटल डिस्ट्रेस में भी इट्स इंडिकेशन ऑफ सीजेरियन बी ऑल्सो सीजेरियन एंड सी ऑब्स्ट्रक्टेड लेबल ऑल्सो दीज आर एमरजेंसी सिचुएशन इन सार सिचुएशन में सिजरन करना जरूरी है नेक्स्ट सो हेयर इज ऑप्शन डी इज राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है द हॉर्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक्टेशन लैक्टेशन के लिए कौन सा हॉर्मोन जरूरी है रिस्पॉन्सिबल है मतलब जो स्टार्ट करता है लैक्टेशन को ऑप्शन ए ग्रोथ हॉर्मोन ऑप्शन बी एफ एस एच हॉलिकल स्टूमलेटिंग हॉमोन ऑप्शन सी प्रोलैक्टिन एंड ऑप्शन डी ल्यूटियम सो ऑप्शन सी इज राइट प्रोलैक्टिन इज हार्मोन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर लैक्टेशन इट इनिशिएट लैक्टेशन प्रोसेस नेक्स्ट क्वेश्चन है साइनोसिस इन प्री टर्म बेबी इज ड्यू टू प्री टर्म बेबी में साइनोसिस किस वजह से होता है ऑप्शन ए जॉइडिस ऑप्शन बी कलेक्फ्ट पैलेट ऑप्शन सी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ऑप्शन डी इंट्राक्रीनियल इंजरी सो हेयर इज राइट ऑप्शन इज सी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की वजह से प्री टर्म बेबी में साइनोसिस होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फुली फ्लेक्स्ड शिफेलिक प्रेजेंटेशन, वी फील सिफेलिक प्रेजेंटेशन है मतलब हेड नीचे है बेबी का फुल्ली फ्लैक्सड सर्विक्स फुली फ्लेक्स्ड है तो ड्यूरिंग दिस टाइम वी फील पूछा है इसमें प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा होगा वट दी हेल्थ प्रोफेशनल फील ऑफ ड्यूरिंग पी वी पर एग्जामिनेशन सो ऑप्शन ए ऑक्सीपुट ऑफ द फीटर्स ऑप्शन बी सिंसिपुट ऑफ द फीटर्स ऑप्शन सी आईब्रो ऑफ द फीटर्स एंड ऑप्शन डी ओरल कैविटी ऑफ द फीटर्स सो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है बोला है इन फुल्ली फ्लेक्स्ड सिफेलिक प्रेजेंटेशन फ्लेक्स्ड मतलब उसका जो हेड है पूरी तरह से फ्लैक्स है जो फ्लैक्स्ड सिफेलिक पोजिशन में प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा होता है सिफेलिक में पार्शियल फ्लैक्सड फुली फ्लैक्स में अलग अलग होता है तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद ही आपको ऑप्शन टिक करना है हमारे क्वेश्चन में ए इज राइट ऑक्सीपुट फुल्ली फ्लैक्स्ड है मतलब बिल्कुल उसका जो फेस है फ्लेक्स्ड है सो so, ऑक्सीपुट बिल्कुल आगे आ गया है तो so, जब भी पीवी करेंगे पेशेंट का परवेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे तो फीटस का ऑक्सीपुट फील होता है ये इंपॉर्टेंट होते हैं सिफेलिक प्रेजेंटेशन में प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा है फुली फ्लैक्स में कौन सा है पार्शियल फ्लैक्स में कौन सा है सो हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए ऑक्सीपुट ऑफ द फीटर्स नेक्स्ट एट फीटर्स हैव फाइन डाउनी हेयर विच इज कोल्ड एज फीटर्स में जब बेबी डिलीवर होता है तो कुछ छोटे छोटे फाइन डाउनी हेयर्स होते हैं पूछा है उन हेयर्स को उस कंडीशन को क्या बोलते हैं ऑप्शन ए वार्निक्स सिजोजा ऑप्शन बी एमियन ऑप्शन सी क्रियोन कॉरियन सॉरी एंड ऑप्शन डी लेन्यूको सो राइट ऑप्शन इज डी लेन्यूको जो फाइन छोटे छोटे डाउनी हेयर्स होते हैं बेबी की बॉडी पे जो आफ्टर डिलीवरी उनको लेनेको बोलते हैं और जो एक वाइट कलर का सिल्वरी कलर का कवर्ड होता है बेबी वाइटिश वाइटिश होता है उसको वर्निक सिसोसा बोलते हैं सो so, हमारे क्वेश्चन का आंसर है लेनेगो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नर्सिंग केयर इन एस्फेक्सिया बेबी इज एसफेक्सिया में अगर कोई एसफेक्सिक्स बेबी है ब्रीदिंग प्रॉब्लम डिफिकल्टी ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रहा है उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रहा है तो उसमें नर्सिंग केयर क्या है मेन नर्सिंग केयर क्या होती है ऑप्शन ए इनिशिएट अर्ली ब्रीदिंग बी एडमिनिस्टर ऑक्सीजन सी हैंडलिंग ऑफ द बेबी एंड डी मेंटेन क्लर ए वे सो राइट ऑप्शन इज बी एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एस्पेक्सिया की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो सबसे पहले एडमिनिस्ट ऑक्सीजन ऑक्सीजन देना है नेक्स्ट 171 क्वेश्चन नियोनेट इन रेसेस्ट्रेट इफ पल्स रेट इज बिलो अगर पूछा है कि, कि किस पल्स रेट पे नियोनेट को रेसिस्टेशन शुरू कर देना चाहिए ऑप्शन ए 40 बीट्स पर मिनट ऑप्शन बी 60 बीट्स पर मिनट ऑप्शन सी 80 बीट्स पर मिनट एंड ऑप्शन डी ट्वेंटी बीट्स पर मिनट सो राइट ऑप्शन इज ए अगर न्यूबोर्न का बीट फोर्टी बीट्स पर मिनट है तो उसी टाइम रिसस्टेशन शुरू कर देना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन कौन सा प्रिवेंशन टर्सरी लेवल पे कर सकते हैं ऑप्शन ए हेल्थ प्रमोशन ऑप्शन बी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन ऑप्शन सी अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट एंड ऑप्शन डी डिसबिलिटी लिमिटेशन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का क्वेश्चन है सो इसमें ऑप्शन ए इज राइट हेल्थ प्रमोशन टर्सरी लेवल पे हेल्थ प्रमोट कर सकते हैं हेल्थ एजुकेशन वगैरह करके हेल्थ प्रमोशन कर सकते हैं नेक्स्ट ओनली ह्यूमन बींग बींग आर रिजरवायर फो पूछा है कि कौन आपके पास ऑप्शन हैं वायरस के कौन सा वायरस सिर्फ ह्यूमन बींग्स में ही रिज़रवायर होता है सिर्फ ह्यूमन बींग्स आर दी कैरियर ऑफ दैट वायरस ऑप्शन ए स्मॉल पॉक्स ऑप्शन बी इन्फ्लुजा ऑप्शन सी सालमोनिला एंड ऑप्शन डी इज़ रेबीज सो राइट ऑप्शन इज सी सालमोनी एंसानोनेला इज अ बैक्टीरिया फॉर टाइफाइड सो टाइफाइड का जो रिजरवायर है ओनली ह्यूमन बींग्स आर कैरीज दिस बैक्टीरिया ऑप्शन सी इज राइट नेक्स्ट क्वेश्चन एज पर द लेटेस्ट डब्ल्यू एच ओ गाइडलाइन विच डीहाइड्रेशन स्टेटस रिक्वायर ओ आर एस पूछा है डब्लू एच ओ गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कौन सा कौन से डिहाइड्रेशन में ओ देना चाहिए ऑप्शन ए माइल्ड डिहाइड्रेशन में ही दे देना चाहिए या फिर मॉडरेट डिहाइड्रेशन ऑप्शन सी सीवियर डिहाइड्रेशन एंड ऑप्शन डी एनी फॉर्म ऑफ डिहाइड्रेशन सो राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन डी एनी फॉर्म ऑफ डिहाइड्रेशन ओ किसी भी डिहाइड्रेशन में शुरू माइल्ड डिहाइड्रेशन में भी ओ देना है एज पर डब्ल्यू गाइडलाइन नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पोलियो ट्रांसमिशन इजी ब्लॉक कैन बी अप्लाइड बाय एक्टिंग ऑन पूछा है पोलियो ट्रांसमिशन में इजी ब्लॉक किस कंडीशन से कर सकते हैं मतलब पोलियो ट्रांसफ़र ना हो एक दूसरे में उसके लिए किस टाइप का मतलब किस कंडीशन को ब्लॉक करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन ए रिजर्वा ऑप्शन बी ससेप्टिबल होस्ट ऑप्शन सी फीको ओरल रूट एंड ऑप्शन डी एजेंट सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी एजेंट एजेंट को इजीली ब्लॉक कर सकते हैं टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन नेक्स्ट क्वेश्चन है वैक्सीन विच इज गिवन एट दर्लीएस्ट अर्लीस्ट मतलब सबसे पहले सबसे पहले कौन सी वैक्सीनेशन देते हैं ऑप्शन ए बीसीजी ऑप्शन बी एमएमआर ऑप्शन सी डीटी ऑप्शन डी डीबीटी सो राइट ऑप्शन इज ए बीसीजी बीसीजी इज अ वैक्सीन फॉर ट्यूबरक्लोसिस इसको एट बर्थ इमीडिएट एट बर्थ में ही लगा देते हैं सो so, आपके ऑप्शन में बीसीजी इज़ द अर्लीस्ट ऑप्शन एम एम आर फिफ्टीन टू एटीन मंथ पे लगता है डी टी फाइव ईयर पे लगता है एंड डी पी टी वन एंड हाफ मंथ से शुरू होता है सो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग बीसीजी इज द अर्स्ट वैक्सीन नेक्स्ट मैक्सिमम मेटर्नल मॉर्टिलिटी इज सीन इन हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस ई हेपेटाइटिस ए हेपेटाइटिस सी पूछा है कौन से हैपेटाइटिस में सबसे ज़्यादा मैटरनल मोर्टिलिटी होता है सबसे ज़्यादा मैटरनल डेथ होती है सो राइट ऑप्शन इज बी हैपेटाइटिस ई हैपेटाइटिस ई में सबसे ज़्यादा मॉर्टिलिटी होता है मदर का नेक्स्ट है विच वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडेटेड इन प्रेगनेंसी कौन सा वैक्सीन प्रेगनेंसी में नहीं देना चाहिए ऑप्शन ए रूबेला ऑप्शन बी ओ ऑप्शन सी बी एंड ऑप्शन डी हेपेटाइटिस सो राइट ऑप्शन इज़ ए रूबेला प्रेगनेंसी में नहीं देना चाहिए हमने क्वेश्चन भी पढ़ा था कि वट आर के फैक्टर सो उसमें भी रूबेला था अगर मदर को रूबेला हो जाता है या रुबैला की वैक्सीन तो बिल्कुल ही एडमिनिस्टर नहीं करना है ड्यूरिंग प्रेग्नेंसी अगर रुबैला बाई चांस हो भी गया है को तो इट कैन कोस ट्रेटोजेनिक इफेक्ट इन फिटनस नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीजी वैक्सीन इज एडमिनिस्टर टू तो चिल्ड्रन बीसीजी वैक्सीन का रूट कौन सा है ऑप्शन ए इंट्राडर्मल ऑप्शन बी सबकुटेनियस ऑप्शन सी इंट्रामस्कुलर ऑप्शन डी औरल सो ऑप्शन ए इज राइट इंट्राडर्मल BCG वैक्सीन इंट्रोडर्मल दी जाती है लेफ्ट शोल्डर पे। नेक्स्ट ट्यूबरकलिन टेस्ट इज रीड आफ्टर ट्यूबरकलिन टेस्ट जिसको मोन्टो टेस्ट भी बोलते हैं पूछा है कि वो कितने घंटे के बाद लगाने के कितने घंटे के बाद रीडिंग करना चाहिए ऑप्शन ए फोर्टी एट आवर्स ऑप्शन बी सेवेंटी टू आवर्स ऑप्शन सी नाइन्टी सिक्स आवर्स एंड ऑप्शन डी ट्वेंटी फोर आवर्स सो राइट ऑप्शन इज आफ्टर फोर्टी एट ए फोर्टी एट आवर्स के बाद अप टू सेवेंटी टू आवर्स में ट्यूबर टेस्ट रीडिंग कर लेना चाहिए आफ्टर फोर्टी एट आवर्स विद इन सेवेंटी टू आवर्स नेक्स्ट इनक्यूबेशन पीरियड फोर मंथ्स इज पूछा है मम्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है ऑप्शन ए एटीन डेज ऑप्शन बी फोर्टीन डेज ऑप्शन सी टेन डेज ऑप्शन डी फाइव डेज सो राइट ऑप्शन इज एटीन डेज इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मम्स इज़ एटीन डेज नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी आफ्टर एन अटैक अगर एक बार हो जाने के बाद लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी किस कंडीशन किस डिज़ीज कंडीशन में हो जाती है ऑप्शन ए टाइफाइड ऑप्शन बी मम्स ऑप्शन सी टेटनस एंड ऑप्शन डी डिप्थीरिया सो राइट ऑप्शन इज बी अगर एक बार मम्स हो जाता है तो दिस इज़ गिवस लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी फिर वो दोबारा नहीं होता है सो मम्स इज़ राइट ऑप्शन नेक्स्ट विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज पावरफुल डिसिनफेक्टेंट सबसे ज़्यादा पावरफुल डिसइनफेक्टेंट कौन सा है ऑप्शन में ऑप्शन ए फिन ऑप्शन बी लाइजोल ऑप्शन डी ऑप्शन सी डेटोल एंड ऑप्शन डी पोटाशियम पर मैगनेट सो राइट ऑप्शन इज बी लाइजोल लाइजोल इज द स्ट्रोंगेस्ट पावरफुल डिसन्फेक्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है किरेटोमलेशिया इज एसोसिएटेड विद करैटो मलेशिया किस कंडीशन की वजह से होता है ऑप्शन ए मीजिल बी माम्स सी रुबेला एंड डी चिकन पॉक्स सो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन रूपैला की वजह से हो सकता है इन फीटर्स यही एक इसका ट्रेटोजेनिक इफेक्ट होता है सो so, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही इन नेक्स्ट वीडियो विल कवर दैक्ट आउट क्वेश्चन टिल दैट टाइम वॉच द वीडियो सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू